हमेशा विचार करते थे, कहते थे कि जब वो बैठा है, बैठे है तभी भी अपने हरिण के विषय में सोच रहे हैं, और कहीं घूम रहे हैं तभी भी, और सोने के समय, खाने के टाइम, मृग जहुना स्नेह, उन मृग बालक के प्रति उनकी आसक्ति, उनके प्रति उनका स्नेह से उनका हृदय बंध गया, एकदम गाढ़ आसक्ति हो गई हरिण के प्रति उनकी। और अब तो कोई उनको मार न दे, कोई भेड़िया इत्यादि खा न ले, इसलिए आश्रम से जब बाहर जाते हैं, क्योंकि शरीर का एक क्रम था, एक क्रम में ढल चुका था शरीर, कि उन भगवान के लिए कुछ पुष्प, फल, मूल, कंद, तुलसी पत्र, जल इत्यादि लाने के लिए, तो स्वभाव वो शरीर जाता था। इसको कह रहे किस कुसुमित पलाश फल मूलो उदकानी हरिष्यमानो वृकशाला वृकादिव्यो और भयम आसमानो यदा सह हरिण कुंड केन वनम सम आविष्यति। जब वो बाहर जाते थे उन वस्तु जुटाने के लिए, तो डर के मारे के कहीं इनको आश्रम में अकेला छोड़ दिया तो कहीं जंगली कुत्ता आकर के खा जाएगा, तो ना कोई आके खा जाएगा, इसीलिए उनको साथ में लेकर के जाने लगे। आसक्ति होती है, वो बचाना चाहते हैं ना, हमारा जिस वस्तु में आसक्ति होता है उस वस्तु को हम बचाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार भरत महाराज जब बाहर भी जाते थे भगवत परिचर्या का सामान जुटाने के लिए, जंगल में जाते थे संहिता इत्यादि लकड़ी यज्ञ के लिए लेने के लिए जाते थे, तो उस टाइम वो हरिण बालक को अकेला छोड़ने में उनको भय लगने लगा, उसका अर्थ आसक्ति अत्यंत गाढ़ा होती चली गई। ये स्नेह बता रहे, जिस प्रकार संसार में हम लोग स्नेह जोड़ते हैं, ये मृषा स्नेह है, झूठा स्नेह है, लेकिन उन स्नेह के बंधन में हमारा हृदय बंध जाता है। नहीं, एक हृदय में गांठ पड़ जाए, बड़ा ही झूठा है स्नेह, लेकिन वो एक गांठ पड़ जाती है, अपना अपना समझते समझते बिल्कुल अपनी जात की तरह वो लोग दूसरे को प्रेम करना चालू करते हैं। ये आसक्ति इस प्रकार बढ़ती रहती है, जैसे भरत महाराज का बढ़ता है। नहीं, एक पति पत्नी उन विवाह से पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन साथ रहते हुए इतनी आसक्ति हो जाती है कि इसके लिए अपने पिता इत्यादि को छोड़ देता है व्यक्ति। तो संसार में देखा जाता है स्नेह के कारण, और क्या, स्नेह बढ़ गया इतना। तो भरत महाराज का स्नेह उस हरिण बालक के प्रति बढ़ने लगा उत्तर उत्तर। इनको वो इस प्रकार दिखाकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब उनको साथ में लेके जाते थे तो हमेशा उनका ध्यान रहता था, मैं मेरे भगवान के लिए पत्ती ले रहा हूं फल नहीं। वो फल तोड़ते थे लेकिन चित्त कहां था, ये हरिण कहीं आगे पीछे नहीं हो गया ना। और जब पहले लेने के लिए जाते थे मेरे प्रभु के लिए, मैं देखिए कितना अंतर हो गया भाव में, यही चीज, वो एक ही चीज जुटाने के लिए जाते थे लेकिन अंतर हो गया। अब वो लेकर के आते थे तो हरिण उन स्वभाववश लीली लीली घास से आसक्त होकर के हरी हरी घास खाने के लिए इधर उधर अटक जाता था, तो उनको वो पकड़ करके अपने कंधे में पर डाल देते थे, देखिए मूर्ख है ऐसा। एक अग्रे श्लोक में बता रहे हैं, पथि सुच्च मुग्ध भावन तत्र तत्र विषक्त मतिर प्रणय भरत हृदय और कार्पण्य स्कंदत उद्वहति एवं उत्संग उर्सी चा आधायो लालयन मुदह परम अवाप। क्या लिखे हैं सुखदेव गोस्वामी पद को, वो कहते हैं कि पथ में चलते समय वो हरिण बालक तो उनका खाना खोजेगा, वो तो आदमी था नहीं आपकी तरह फल फूल खा करके, वो तो खोजेगा ही। वो तो वो जाता था दूरी में,
तो जब दूर गए हरण में उनका चित्त लगा रहता था और कई हरण फंस जाता था। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ऊपर ऊपर हरी हरी घास और नीचे दलदल होता है, तो वहां पर मूर्खता के कारण वो हरिण का बच्चा चला जाता था तो वहीं अटक जाता था। तो भरत महाराज पीछे मुड़कर देखो, अरे मूर्ख कहीं का दलदल नहीं देखा और हरी घास को देख रहा है, लेकिन आप ये माया रूपी मोह रूपी दलदल नहीं देख करके आप धसे जा रहे अंदर, ऊपर हरिण बालक दिखाई पड़ रहा है, और कृष्ण के इतने बड़े प्रेमी हो करके अब ये हरिण बालक को प्रेम कर रहे हैं। ठाकुर बहुत सुंदर परपट देते, उन परपट से दंडित होता है सारी बातें। तो वो कहते अरे मूठ मूर्ख है, इस प्रकार अत्यंत करुणा के कारण उन दलदल लगे हुए पैर थे उन भी ऊंचक करके अपने कंधे में डालते थे, वो दलदल भी उनको ये कर्दम जो कादो था उनको अच्छा लगता था। हा बच्चा जब अपना बच्चा या पोता नाती होते हैं ना, वो पेशाब टट्टी कर जाते थे, वो बुरा नहीं मानते, क्या करे अपना है ना। यद्यपि वो ठीक नहीं है लेकिन मोहवश व्यक्ति उनको अच्छा लगता है। अपना नहीं करेगा तो कौन करेगा। गोद में अगर टट्टी पेशाब कोई कर लिया बच्चा तो अपना तो करेगा और किसका करेगा। अगर दूसरे का कर जाए गाली बाली देख करके बोले इतना बच्चे को नहीं सिखाया है, और आपका आ सकती है ना, तो मेरा है ना मंत। अब पेशाब में अंतर हो जाता है क्या, उसका खराब पेशाब और इसका सब एक है, लेकिन वो आसक्ति वश व्यक्ति ये सोचने लगता है, ये ममता उनमें है और उसमें वैराग्य है दूसरे में, इसलिए वो दूसरे को गाली देना नहीं सिखाया नहीं। बच्चे को सिखाना चाहिए ना, और दोष दृष्टि होती है क्योंकि वो पराया है और अपने में स्नेह होता है इसलिए वो अच्छा लगता है। वो तो स्वाभाविक है, सब लोग, ये स्टोरी नहीं है, ये तो अपना कथा है, अपना कथा भरत महाराज का नहीं है। आगे चक्रवर्ती ठाकुर कहेंगे भरत महाराज का कथा है ही नहीं, अपना कथा है। ये हमारी मुश्किली है, ये हमारी तकलीफ है, क्यों भगवान का भजन नहीं चल रहा। भगवान का अंश होकर के जीव भगवान को प्रेम नहीं करके माया का प्रेमी हो गया है, और इसी के कारण एक माइक पदार्थों में उनका ममता समता तकता है, और नित्य भगवान जो अपने प्रेमी है उनको भूल करके जीवी संसार की आसक्ति रूपी दलदल में फंस गया है और उनको प्रिय लगता है। श्री भरत महाराज इसी प्रकार उनको कंधे पर डालते थे, कहते उड़सी चाधायो, और कभी कभी अपनी छाती पर रख करके उनको लाड प्यार करते थे। कहां भगवान की महान सेवा, और इसके लिए संसार का राज्य त्याग दिया, पूरे विश्व का भरत महाराज ने अपना राज्य त्याग दिया। कहते चा आधायो उपलालम मुदम, और उसी ये करने में उनको परम सुख का अनुभव होता था। और बड़े बड़े यज्ञ, जब आप राजा थे बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ से भगवान का पूजन को अंतराय समझ करके घर को छोड़ा था ना आपने, पुल आश्रम में आए थे, अकेले भगवान एकांत में भगवान की सेवा की जाए इसी अभिलाषा से आए थे ना, अभी वो हरिण बालक उनका आनंद बढ़ाने लगा। एक ही महाराज, पहले उनका दशा देखिए और अभी उनका दशा देखिए, ये है भगवान की प्रकृति। माया इतनी निष्ठुर है कि जीव को जघन्य वस्तु खाने के लिए बाध्य करती है, उसी में आनंद जीव मानता है। अगर कोई मनुष्य को शुक्र का शरीर मिल जाए तो मनुष्य का मल खाने में उनको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं बल्कि आनंद होगा। ये प्रबल माया है, केवल शरीर ट्रांसफर करके इतनी आसक्ति दे देती है कि जीव खुशी खुशी उस कर्म को करते हैं। हरे कृष्ण, जग करके सुनिए, इतनी
आसक्ति इतनी भयंकर है माइक, एक ही जीव है वही भगवान कांस, जब सुवर के शरीर में प्रवेश करता है तो नाना प्रकार का एक गंदा चीज और गटर में पड़े रहना आनंद मानता है, उन्हीं में उनका सुख का अनुभव होता है। देखिए माया की, आप माया के पहलू को समझिए। अभी हमारे पास मनुष्य का शरीर है लेकिन हमेशा मनुष्य का शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि काल चक्र सदैव इधर से उधर फेंकता है, किसका मृत्यु नहीं होगा, किसको बॉडी ट्रांसफर नहीं करना होगा, कराता है जबरदस्ती काल, एक से दूसरे शरीर में, एक परिवार से दूसरे परिवार में डालता है, कभी मनुष्य का परिवार कभी पशु का परिवार। इसलिए व्यक्ति को केयरफुल होकर के भगवान को स्नेह कर ले और भगवत धाम में चले जाए, ये झगड़ा खत्म, शरीर ट्रांसफर करना बंद। तो ये शिक्षा मिलती है इससे। क्रियायाम, अब देखिए ये कहते हैं क्रियायाम निर्वर्तमानायाम अंतराले अपि उत्थाय उत्थो उत्थाय यदेन अभिचक्षित तरी वाव स वर्षपति प्रकृति स्थेन मनसा तस्मा आशीष आशास्ते स्वस्ति स्वादवत्स ते सर्वत इति। देखिए श्री सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं कि वो जब भगवत परिचर्या करते थे, उनका एक क्रम हो गया था शरीर का, मैं बोला ना हटा तो उनका शरीर एक कार्य करता था, क्योंकि बहुत काल की 1 करोड़ साल की प्रैक्टिस थी उनके देह को, 1 करोड़ साल बीत गया था ये कार्य करते हुए, तो प्रैक्टिस हो गई थी शरीर को। तो प्रैक्टिस वश वो भगवान का परिचर्या करते थे, लेकिन परिचर्या के टाइम उनका मन कहाँ है उनको दिखाने के लिए सुखदेव गोस्वामी बात कहते, बीच में उठ उठ करके उन हरिण बालक देख लेते थे। भगवान की पूजा में मन तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि शरीर पूजन करता था, तब भी बीच बीच में उठ करके वो देख लेते, और जब देखते थे तो आशीर्वाद निकल जाता था, हे बालक तुम्हारा सर्वत्र कल्याण हो, उनको देख करके उनके हृदय को शांति मिलता था और आशीर्वाद निकलते थे उनके मुख से। सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं जब उनको देखते थे तब वो उनका चित्त थोड़ा स्वभाव में आता था, ठीक है बेचारा चल रहा है तो निकट है, कहीं दूर नहीं चला गया है। अब वो हरिण था, वो मनुष्य था नहीं। और एक दिन झुंड देखा, हरिण का झुंड आया था, उन झुंड के साथ चला गया वो तो अपना ग्रुप देख करके अपनी डिजाइन देख करके तो कौन इसके साथ रहेगा, डिजाइन भी ठीक नहीं है इनकी, हमारे जैसी नहीं है, तो उस ग्रुप में हो गया और चल दिया। भरत महाराज को पता नहीं था, अन्न था अभी, सुखदेव गोसाई पाद उनकी व्यथा को, जो मन लग गया वो कितना दुख देता है संसार में लगा हुआ मन, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। ओ उसका हमें पूरा पूरा ज्ञान है, हम लोग भी दुखी है उसी प्रकार। कहते कि अन्नदा अथवा किसी समय हरिण को नहीं देख करके वो तो चला गया था, एक आचार्य लिख रहे कि वो तो हरिण का झुंड देखा, अरे अपने जैसा तो मैं इसके साथ क्यों रहूं, ये तो मेरे जैसा है नहीं, ये तो बेचारे सब मेरे जैसे, चल दिया। एक आचार्य लिख रहे, चक्रधर ठाकुर नहीं लिखे इस बात को, क्योंकि चक्रधर ठाकुर एक भिन्न बात से, प्रारब्ध कर्म का बात नहीं लिख रहे, वो भगवत इच्छा से लिख रहे, वो गठ बाद में हम लोग उनको चर्चा करेंगे। वो कहते हैं अन्नदा वृषम उद्विग्य मना नष्ट दमिनी कृपण स करुण मतिर अतितरसेण हरिण कुणक विहवल विरह विह्वल हृदय संतापस्तम एवं अनुशोचन किल कस्मलम महद अभिनंबित इति हो वाच। और जब वो आश्रम में उनको नहीं देखते थे तो जैसे किसी
कृपण कंजूस व्यक्ति का धन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वो उद्विग्य हो जाते थे। अरे भाई ये मेरा धन, अरे तो कंजूस था, मुश्किल से धन मिला था, उसी प्रकार उनका चित्त उद्विग्य होने लगा। वो दिखा रहे उनकी उद्विग्यता को, नष्ट द्रविण ही कृपण, जैसे दीन व्यक्ति किसी का धन छिन गया है, ऐसे दीन बने हुए व्यक्ति की तरह सा करुण मति अति तरसेन, और अत्यंत करुणा से उनका हृदय गदगद हो गया उनके लिए, उन हरिण के लिए। कहां भगवान के लिए गदगद होता था हृदय, और अति उत्कंठित हो करके कहते हैं उन हरिण कुणक विरह विह्वल, उन हरिण बालक के विरह का अनुभव करते हुए उनका हृदय अत्यंत संताप से भर गया, और वो अत्यंत शोक करने लगे, और शोक करके इस प्रकार उनका हृदय दूषित हुआ, और इति होवाच, और फिर उन्होंने प्रवचन चालू किया। वो बोलने लगे कुछ शब्द जैसे हम लोग बोलते हैं, अरे यार इस प्रकार बिजनेस चल रहा था, पता नहीं गवर्नमेंट बदली होने के बाद में पहचान हमारा चला गया, इतना सुंदर बिजनेस था, यह वो नाना प्रकार से भूतकाल को याद करके वर्तमान में रोना, इसको शोक बोलते हैं। मां शोक को हृदय में पकड़ा है, जो बीता है उस काल को वर्तमान में रोना। अब रोने से वो काल तो आएगा नहीं, लेकिन ये दशा भरत महाराज की हुई है। भरत महाराज इतने टाइम बच्चे के साथ थोड़े टाइम रह गए, इसमें उनकी आसक्ति बन गई, और उन आसक्ति के कारण उनके हृदय में वो जब उनका विरह आया, वो हन चला गया, तब वो सोचने लगे इसके विषय में कि अरे रे क्या हुआ होगा। वो बोलने लगे, कहते अपिबत सौ वही कृपण एण बालक, बताइए बताइए ये छोटा सा हरिण का बच्चा जिनकी माँ मर गई है और जिनका पुता पिता का पता नहीं है, ऐसे ये हरिण बालक पता नहीं कहाँ चला गया। शोक से अनुतप्त होने लगे उनके वीरों में, कहते हैं कि मृत हरिणी सुतो अहो ममा नार्यस, अरे ये मेरी कोई सठता की सीमा नहीं है, ये तो अबुद है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि इसको इधर उधर न छोड़े, और मैं बहुत ज्यादा विश्वास करने लगा उनके ऊपर। ऐसा सोच करके वो अपने को कोसने लगे, जब कुछ वस्तु चला जाता है तो व्यक्ति अपने को कोसता ना, अरे इसमें गलती मेरा है, मेरी गलती, वो दैव से चला जाता है, जो कुछ संग इस संसार में हमारा एक दूसरे के प्रति होता है वो दैव के कारण भाग्य के कारण उनमें बिछड़ना होता है उनसे प्रिय व्यक्ति से, लेकिन दोष अपना देख करके व्यक्ति रोते हैं, इसमें मेरा दोष है, इस जन्म का दोष नहीं है, पूर्व जन्म कृत वो दोष है, तो दोष तो ठीक है, वो रो रहे। इसी प्रकार भरत महाराज पश्चाताप करने लगा, रे रे मैं कितना मूर्ख था, वो तो पशु था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था इनका, लेकिन कहते हैं मैंने ध्यान नहीं रखा। फिर भी कहते हैं कि वो जो हरिण बालक है तो मुझ बहेलिए को ऊपर ध्यान नहीं दे करके वो साधु था, कि वो अपने वक्त मुझे मानते हुए मेरे जैसा ही भरत महाराज है, यद्यपि मेरा हृदय कठोर है, मैं उनका ध्यान नहीं रखा। क्या कठोरता है? उनका सावधानी पूर्वक ध्यान नहीं रखा। वो पशु है लेकिन मैं मनुष्य हूं, मनुष्य बुद्धि मेरे पास है, तो इसके लिए अपने आप को बहेलिया सोच रहे। एक बहेलिया जैसे पशु को पालता है, उसी प्रकार हरिण को मैंने पाला और उनका ध्यान नहीं रखा, और मैं एक शिकारी का हृदय वाला हूं, लेकिन वो साधु हृदय है, मेरा हरिण साधु हृदय है, वो मेरे इस अपराध को नहीं गिनते हुए क्या वो अपनी तरह
मुझे समझ करके क्या वो मेरे आश्रम में वापस आएगा क्या? ऐसा प्रलाप करने लगे, रोने लगे भरत महाराज उनके विरोध में। देखिए क्या यार, ये इतना बड़ा गिराव आना। कहते हैं कि ठीक है, अपि फिर भी क्षेमणा अस्मिन उप आश्रमे शश पाणी चरंतम देवगुप्तम दक्षामि। क्या मैं दोबारा उनको उन भगवान के द्वारा रक्षित होकर के अत्यंत कुशल क्षेम आनंदित होकर के मेरे आश्रम के उपवन में हरी हरी घास चरते हुए देखूंगा क्या? अभिलाषा करने लगे, क्या दोबारा उनका दर्शन होगा क्या मेरे हरिण का? कितना प्यारा वो बच्चा था। तो ऐसा सोच करके इस प्रकार वो कहने लगे। और फिर पुनः हृदय बदलता है, जहां प्रेम होता है ना, कोई दूर देश गए हुए संबंधी है, जो प्रीति उनमें है, तो व्यक्ति नाना प्रकार का विषय में सोचते हैं, क्या कोई गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, लेट क्यों हो गए, यह क्यों हुआ, वह क्यों हुआ, नाना प्रकार की शंका हृदय में करते। भरत महाराज का हृदय इस प्रकार शंका करने लगा आर्यन भारत के प्रति। अपिच न वृक शाला वृक अन्यतम वा नेक चर एक चर वा बक्षेती। ये तो कहीं ऐसा नहीं हुआ ना कि वो थोड़ा सा आश्रम से बाहर गया और कहीं भेड़िए इत्यादि ने खा लिया, अथवा कहते हैं शाला वृक जंगली कुत्ते ने, अथवा संघ में घूमने वाले जो सुवर इत्यादि है जंगली, तो उन्होंने नहीं खा लिया होगा, अथवा एक चर जो अकेला विचरण करता है सिंह या बाघ, तो कहीं बाघ सिंह ने नहीं खा लिया ना। वो अनेक प्रकार की शंका कुशंका से उनका हृदय भरने लगा उन बच्चे के प्रति स्नेह के कारण। और साथ साथ में पूरा दिन बीत गया और शोक करते हुए जब सूर्यदेव अस्ताचल पर जा रहे थे, तब कहते निम्न लोचती हो भगवान सकल जगत क्षेम उदयाए स्तैया आत्म विद्या मम न मृग वधु न्यास आगच्छति। उस प्रकार शाम हो गया और अस्ताचल पर सूर्य को देख करके कहते हैं कि देखिए भगवान सूर्य भी उदित हो करके सबका कुशल क्षेम सबको निर्भय करते हुए और सबको अपना अपना फल देने के लिए उदित होकर के लगभग अस्ताचल पर जा रहे हैं। सबका कुशल हुआ, लेकिन ये भरत तुम्हारा अमंगल हुआ, तुम्हारा बालक नहीं आया, तुम्हारा हरिण कुणक, तुम्हारा मंगल नहीं किया सूर्य देव ने। सबका कुशल हुआ लेकिन भरत तुम्हारा कुशल नहीं हुआ। चक्रधर ठाकुर लिख रहे बात को, बोले भरत महाराज सोच रहे थे कि सबका मंगल हुआ। और सब त्रयमयी, त्रयमयी का अर्थ उन वैदिक क्रिया कांड सूर्य उदित होने से स्टार्ट होता है, तो बोलते सब लोग ने खूब पुण्य कार्य किया, लेकिन हे भरत तू एक पापी है कि तुम्हारा प्रिय वो बालक अभी तक नहीं आया, अभी शाम हो गई है, सुबह से लेकर के अभी शाम हो गई, वापस बच्चा आया नहीं, इसके चलते वो अपने को दोषी बता रहे, अपने को पापी बता रहे, कोई पुण्य कार्य नहीं किया है। भरत तुमने कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, और नहीं तो वो बालक अभी तक आ जाना चाहिए था, अभी तो सूर्यास्त होने जा रहा है। भरत महाराज कहते हैं अगले श्लोक, सुखदेव को समयपद वर्णन करते हुए कहते हैं संतोषम स्वानाम अपनुदम। अभी वो मनोरथ बांधने लगे, जैसे व्यक्ति वस्तु खोई हुई वस्तु के लिए मनोरथ बांधता है। मनोरथ माने मन के रथ ऊपर चढ़ करके नाना प्रकार का संकल्प करते हैं, वो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा संकल्प बांधते रहते। हम लोग संकल्प इस प्रकार बांधते रहते नहीं, जो नौकरी कर रहा है वो सोच रहा है कि अगर मैं एक दिन इस उस किसी व्यापार को मैं करूंगा, नाना प्रकार का मनोरथ करते हैं नहीं।
इसको मनोरथ बोलते हैं, स्वप्न जैसा हवा में किला, हवाई किला, वो मन बनाता ना हवाई किला। एक दिन सबसे बड़ा बिल्डर दारसलाम में बन जाऊंगा, यह करूंगा वह करूंगा, हवाई किला। उसी प्रकार ये मनोरथ मानने लगे। क्या मनोरथ मानने लगे वो? तो वो कहते क्या अभिषित कृत असुकृत, अरे जिनका भाग्य खत्म हुआ है दुर्भाग्य भरत, वो कह रहे कि ऐसे दुर्भाग्यशाली मुझे सुखी करने के लिए सुख इष्यति हरिण राजकुमार, मेरा हरिण राजकुमार की तरह था। कितनी आसक्ति प्रगाढ़ हो गई होगी, अपने कुमार पांच पांच छोड़ करके भरत महाराज आए थे, और आसक्ति होने पर वो हरिण राजकुमार दिखाई पड़ने लगा। अब बताइए, अपने पुत्र की तरह वो समझने लगे, और अपने पुत्रों को छोड़कर एक नहीं पांच पांच, उसका कोई ध्यान नहीं है। वो हरिण बालिक को कहते को हो इतना मेरा प्यारा राजकुमार जैसा, कहते कि क्या वो दोबारा इस आश्रम में आकर के विविध प्रकार की उन हरणोचित जो वो क्रीड़ा करते थे, क्या वो दोबारा वो क्रीड़ाएं करता हूं मैं उनको देखूंगा क्या? निज जन कहते हैं वो अपने संबंधी मुझको आ करके अपनी वो क्रीड़ा दिखा करके क्या वो मुझे आनंदित करेगा क्या? क्या ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा? अब कितना शोक बढ़ गया एक वस्तु के पीछे। इसलिए संसार में ज्यादा संबंधी नहीं होना ठीक है, क्योंकि जितना संबंधी ज्यादा उतना दुख। देखिए तो दुख संबंध संबंधी से जितना दुख मिलता है उतना तटस्थ व्यक्ति दुख नहीं देते हैं, संबंधी से ज्यादा दुख मिलता है, क्योंकि हमेशा उनके विषय में सोचते रहते, जहां मन लगते हैं सोचते रहते, अरे अरे मैं ये नहीं कर पाया, वह नहीं कर पाया, बेचारी मेरी पत्नी एक साड़ी नहीं दिला सका, जो साड़ी दिलाते हैं वो बोलते हैं कार नहीं दिला सका, और जो कार दे सकते हैं वो बोलते हैं ओ हो एक 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 फ्लाइट में उनको नहीं देते, इसका कोई सीमा ही नहीं है। मैं ये नहीं कर पाया, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल कॉलेज ढूंढ नहीं पाया, और जैसी तैसी स्कूल में भेज देते हैं, जहां से वाहन भी लेने के लिए नहीं आता, पता नहीं रास्ते में क्या होगा, कर आएगा कि नहीं आएगा, कितना चिंता होती एक माँ को, कितना चिंता। आप लोग भेजते हैं स्कूल बच्चे को, आप लोग को पता है, वो कहने की जरूरत तो नहीं है, उनकी ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार हम लोग का हृदय जलता है उन संबंधी के चलते। जबकि वो बेटा हमारे पास नहीं था, कोई दुख नहीं था, सुखी थे, वो बेटा आकर के दुख चालू किया। नहीं, चित्रकेतु का बेटा मर गया, आज तो थोड़ा टाइम है ना, अभी भी टाइम नहीं हुआ, तो कल तो इसलिए मैं थोड़ा शांति से जा रहा हूं। चित्रकेतु महाराज का एकलौता पुत्र जो अंगिरा जी ने दिया था वो मर गया, वो अंगिरा जी आकर के खड़े हैं सामने, पहचान नहीं रहे शोक के कारण। जब उन्होंने सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाना चालू किया कि चित्रकेतु ये समझ के इसी जन्म में तुम्हारा क्या था, 3 साल पहले तुम्हारा क्या लगता था, वो बच्चा 3 साल का नहीं हुआ था तब तक मर गया था, बोले 3 साल पहले क्या लगता था, और अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारा वो क्या लगेगा अगले जीवन में। बीच में एक थोड़ा संबंध हो गया उनके साथ, इतना तुम शोक कर रहे हो उनके लिए, और जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो उनका तो मृत्यु है ही नहीं, वो तो जीवात्मा सनातन है, भगवान का अंश है, उनका मरण है ही नहीं, किसके लिए तू रो रहा है?
बहुत सुंदर उगती है। चित्र के तो उपाख्यान कभी लेंगे, बहुत सुंदर है वो भी, 3-4 अध्याय कथा है, 2 अध्याय कथा है वो, 2 अध्याय में वो कथा सुखदेव को संपद ने कहा, ऐसी विचित्र विचित्र कथाएं है। और यहां तक नहीं समझ रहे थे जब तक नारद जी ने कौतुक करके उनको जिंदा किया, वो बच्चे को उठो पॉइजन दे दिया था ना वो उनकी सपत्नियों ने, वो जहर दिया था दूसरी स्त्रियों ने जिनका बच्चा नहीं था, तो वो